इज़ हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू आने वाली करवा चौथ तो मैंने सोचा एक ब्यूटीफुल सा लुक आपके लिए बना के मुझे दिखाना चाहिए सो so, अब देखते हैं मैंने वो लुक कैसे बनाया सो सविता फॉर डू लेट्स ड्राइव इन द वीडियो सबसे पहले आपको लेना है मॉइस्चराइजर मैं ये वाला मॉइस्चराइजर ले रही हूँ आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले एंड अपनी नेक पर भी लगाना बिल्कुल मत भूना नेक इज़ ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फेस के साथ साथ ठीक है क्योंकि पूरा फेस के साथ आपकी नेक भी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओके okay, सो so मैंने भी मैं नैक पर लगाया है मॉइस्चराइजर उसके बाद मैंने लगाया है ये प्राइमर ड्रेस फ्राम लेख में एंड इसको मैंने अपनी टी जोन पर लगाया एंड खास करके मैं अपनी नोज़ के पास हमेशा लगाती हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल आता है और जगह पर मेरा फेस पर बिल्कुल ऑयल नहीं आता बिकॉज आई हैव अ वेरी डेरी ड्राई स्किन आई अप्लाइड ऑन दोज एरियाज जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत है एंड आप वहाँ पर लगा सकते हो जहाँ जहाँ पर आपको जरूरत है अकॉर्डिंग टू यू Now I'm using this Maybelline Ka Foundation. एंड उसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ दिस हाई लाइटिंग प्राइमर दिस इज़ फ्राम स्विस ब्यूटी मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाऊँगी क्योंकि ये जो स्विस ब्यूटी का हाई लाइटिंग मेकअप बेस ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा लाइक ग्लो देता है आपकी स्किन में तो मैंने दोनों को मिक्स किया अपने फाउंडेशन और इसको एंड फिर उसके बाद लगाया ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तो अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क है आपकी स्किन से तो आप वो भी ले सकते हो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाती है चीज़ें एंड नाव यू कैन सी पहले मैं फिंगर्स से स्प्रेड कर रही हूँ सारी फाउंडेशन को एंड उसके बाद आई यूज़ दैट स्पंज आप कोई भी स्पंज यूज कर सकते हो या ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो जो भी आपके लिए वर्क अच्छा करता हो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई गेस जस्ट ब्लैंडिंग गेम इज समथिंग जो आपके बेस को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाता है और स्किन फिनिश लाइक यू नो देता है आपको एकदम प्यारा सा फिनिश देता है एकदम ग्लोई सा एंड ऑब्वियसली हमने वो इल्यूमिनेटिंग हाईलाइटर जो लगाया है हमने वो भी आपकी स्किन को एकदम दिखाएगा कि यार कितना शाइन कर रहा है अंदर से उसके बाद मैंने यूज़ किया ये नायका का कंटोर एंड हाइलाइटिंग पैलेट एंड मैंने नोज पे लगाया अपने चीक बोन पर लगाया एंड ऑबियसली मैंने थोड़ा सा जॉ लाइन पर जैसे जॉलाइन पे मैंने ऐसे तो नहीं लगाया था कि अलग से लगाया हुआ मैंने सिर्फ सो स्पंज पर बच रहा था ना मैंने वही जॉलाइन पे भी कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा ला ज्यादा लगा दिया था मैंने अपने यहाँ चीक बोन पे सो दैट्स वाई एंड यू कैन सी ना हम कंट्रोल करते हैं तो कितना ज्यादा अलग सा दिखता है ना चेहरा क्योंकि आपके फेस को जैसा पेन हो जाता है ना फाउंडेशन के बाद वो थोड़ी हाईलाइटिंग और वो थोड़ा कंट्रोल दिखता है हमारे फेस पे सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आई एम यूजिंग दिस आई एम यूजिंग दिस कंसीलर मैं अपनी अंडर आई पे लगा रही हूँ आंखों के आसपास एंड अपनी नोज़ पर थोड़ा ब्राइटन अप करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडोरिंग हो गई है एंड थोड़ा सा दिखना भी चाहिए ना कि नोज है मेरे पास ओके <laughs> सो okay, so अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से मैं वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ एंड डोंट वरी मैं उस साइड से यूज़ कर रही हूँ अपना ब्यूटी ब्लेंडर जहाँ से मैंने कंडोरिंग नहीं किया है ओके कंटोरिंग ब्लेंड नहीं किया था सो डोंट वरी अबाउट दैट उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ है हमारी आईब्रोज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एम यूजिंग द डार्केस्ट कलर डार्केस्ट ब्राउन एंड उसके बाद मैं मर्ज कर रही हूँ आपके अगर ब्लैक खिलाँ तो आप ब्लैक यूज़ करना बहुत अच्छा लगेगा एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू माई आई शेडो एंड फॉर देट आई एम यूजिंग दिस रिवॉल्यूशन का आई शेडो पैलेट ओके इसमें है रस्टी रोज न्यूट कलर का शेड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस वन एंड आई लव द शेड मैं इसको पूरी आईलेट पर लगाने वाली हूँ अपनी अपर आईलेट पर ओके पूरे पर लगा लो अच्छे से एंड And, क्योंकि मेरे एक्सटेंशन हो रखे हैं तो इसलिए मैं लाइनर और मस्कारा नहीं लगा रही हूँ स्किप कर रही हूँ आप चाहो तो लगा सकते हो आफ्टर दैट फॉर लोअर लैश लाइन आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड ताकि मेरी जो आइज हैं वो और डिफाइन लगे क्योंकि मैं इसमें कोई भी काजल वगैरह नहीं यूज़ करने वाली हूँ आप चाहो तो यूज कर सकते हो इट्स ऑल अप टू यू एंड नाओ क्योंकि हमारी आईज़ में थोड़ा हाईलाइटिंग भी चाहिए तो कोई आई के बजाय मैंने लिया है इन का हाईलाइटर एंड उसको इनर कॉर्नर पर लगाया है अपनी फिंगर की हेल्प से एंड थोड़ा सा लेश लाइन पर भी ताकि वो और ज़्यादा अच्छा लगे और निखर के आए ओके ताकि हमारी आइज़ है ना थोड़ा सा पॉपअप भी हो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का ब्लश जो कि बहुत ही प्यारा है एंड थोड़ा सा आपने चिक बोन के पास अपने चीक्स पर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है आप नोज पे भी लगा सकते हो बट मैंने नहीं लगाया मैंने अपनी गर्दन के पास लगाया है ताकि मेरा फेस और नेक थोड़ा अच्छा लगे एंड उसके बाद मैंने लगाया है अपने हाई पॉइंट पर हाई अपनी आइज़ के पास अपनी नोज़ पर अपनी चिन पर एंड जहाँ जहाँ पर भी मुझे लगता है वहाँ वहाँ पर मैंने हेलेट लगाया क्योंकि हेलेट तो कहीं पर भी लगा लो यार अपनी अपनी मर्जी है ओके नाउ आई एम यूजिंग दिस चेरी बॉम फ्रॉम स्विस ब्यूटी लिप पेंसिल एंड मैंने अपनी लिप्स को आउटलाइन कर लिया है क्योंकि हम रेड लिपस्टिक लगाने वाले हैं इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया एंड रेड लिपस्टिक मतलब मैं बहुत कम लगाती हूँ रेड लिपस्टिक बट मेरी एक फेवरेट रेड लिपस्टिक है दिस इज दैट इज़ फ्रॉम मैक एंड आई लव दिस दिस इज़ रूबी वो एंड ये कलर मेरे पे बहुत सूट करता है आई लव दिस कलर आई लव दिस शेड एंड फॉर फाइनल टच आई एम यर यूजिंग द सेटिंग स्प्रे फ्राम स्विस ब्यूटी एंड जल्दी से अपने फेस पर लगा लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि मेरा फाइनल रिजल्ट क्या था सो आई एम सुपर एक्साइटेड सो लज्स गो फॉर फाइनल लुक होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड जो भी न्यूली ब्राइड है उनको हैप्पी करवा चाहौथ और आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मेरे चैनल राइट नाउ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कर लीजिए एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल लवली यूर फैमिली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन मा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय